उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एक ओर जहां अपराधियों पर नकेल कसने के दावे कर रही है, वहीं दूसरी ओर बहराइच की दरगाह पुलिस जुए की सज रही दुकानों पर नकेल कसने में न सिर्फ नाकाम है बल्कि जुआ कारोबारियों पर भी शिकंजा कसने में पूरी तरह फेल है। आलम यह है कि दरगाह मेले में हर रोज जुआ कारोबारी जायरीनों को ठगी का शिकार बनाकर लाखों का वारा न्यारा कर रहे हैं। दरगाह में सालाना जेठ मेला चल रहा है, ऐसे में मेला प्रशासन व जिला प्रशासन की ओर से मेला परिसर में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती कर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखने की दुहाई दी जा रही है। वहीं दूसरी ओर मेला परिसर में गुलजार जुआ कारोबारियों का बाजार ना तो इंतजामिया कमेटी को नजर आ रहा है और न ही थाना दरगाह पुलिस जुए के अवैध कारोबार पर लगाम कस पा रही है। आलम यह है कि एक का दस करने का झांसा देकर हर रोज दूर दराज से आने वाले जायरीनों को जुआ कारोबारी ठगी का शिकार बना रहे हैं। इसी तरह नेपाल से आए जायरीन को भी जुआ कारोबारियों ने ठगी का शिकार बनाया है। दरगाह में आयोजित सालाना जेठ मेले में वैसे तो बर्तन चूड़ियां बच्चों के खिलौने आदि की दुकानों दरगाह प्रबंध समिति से अनुमति लेने व दुकानों की रसीदे कटने के बाद लगाई जाती है, लेकिन दरगाह मेला परिसर में जुआ कारोबारियों के अवैध कारोबार को किसकी अनुमति से सजाते हुए जायरीनों की जेबों पर डाका डाला जा रहा है, इस पर सभी मौन है। आलम यह है कि जुए के कारोबार की सूचना देने के बाद भी घंटों पुलिस मौके पर पहुंचने से बचती है, जिसके बाद इसकी शिकायत बहराइच एसपी से करने व एसपी के हस्तक्षेप के बाद लेट लतीफ पहुंची। दरगाह पुलिस मौके पर पहुंचती है और जुआ कारोबार से जुड़े तीन ठेलों को सामग्री सहित अपने साथ ले जाती है, साथ ही ठगी के शिकार जायरीनों को भी पुलिस अपने साथ मेला थाने ले जाती है। इसके बाद दरगाह पुलिस जुआ कारोबारियों पर कार्रवाई करने के बजाय ठगी के शिकार पीड़ित जायरीनों पर ही पुलिस या रौब गालिब करने लगती है। पीड़ितों की लिखित शिकायत के बाद दो दिन बीत जाने के बाद भी स्थानीय पुलिस ने न तो आरोपियों को गिरफ्तार किया है और न ही बरामद सामग्री को जब्त कर मुकदमा दर्ज कर रही है और जुआ कारोबारियों पर कार्रवाई से बच रही है। बहराइच में हर रोज हो रहे अवैध जुए के कारोबार को किसका संरक्षण प्राप्त है, यह एक बड़ा सवाल बना हुआ है। कहाँ से आए हो? क्या हुआ है तुम्हारे साथ? 600 रुपया रख लिया है। किसने रख लिया? ये ठेले वाले ने। क्या बताता है? बोला कि तुम्हारे लिए इसमें कूपन निकलेगा, कूपन निकलेगा और पैसा भी मिलता है। हाँ। तो इसमें कुछ भी नहीं निकला। लालच दे रहे हैं, जुआ खिला रहे हैं। कितना रुपया तुम्हारा आएगा? 600 रुपया। किस बात का लिया? बोला था कि कूपन निकलेगा या तो पैसा निकलेगा, तो इसीलिए मैंने बोला है मेरा भी नहीं निकला। आपका दिनेश यादव, कहाँ से आए हैं आप? हम बसंतापुर से नेपाल से आए। आपके साथ क्या हुआ है दरगाह में? पहले ऐसा हुआ है, मैं पहले बोला था 100 का पर्ची खोलो, उसके बाद गुफा निकलेगा। कौन कह रहा था? कोई सामने वाला कह रहा था, तो हमने पर्ची खोला, उसके बाद में एक 5 का निकला पर्ची, एक 10 का निकला, तो बोला इसमें 600 जमा करो, उसके बाद में है तीन पर्ची दिया। कितना पैसा आपने दिया उसको टोटल? उसको पहले 7,000 दिया। 7,000? उसमें कुछ मिला आपको? नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला, ठगी हुई है आपके साथ? हाँ, ठगी। क्या चाहते हैं सर? ऐसे होगा तो हम लोग गरीब को क्या होगा? हम लोग तो आए थे दवा लेने के लिए बहराइच, हम लोग सोचे कि चलो घूम के आते। क्या चाहते हैं आप? हमारा पैसा दिला दीजिए सर। बाबरा मौर्य, क्या हुआ है आपके साथ? जी हम लोग इधर दरगाह घूमने आए थे, उसके बाद यहाँ से दुकान लगी, इन्होंने कहा 100 रुपया का लोन निकालो, फिर हम पर्ची खोलेंगे, उसमें आपका इनाम आएगा और मिलेगा। तो हमने खोला तो उसमें कुछ नहीं आया, 5-10 आया, तो उन्होंने फिर कहा कि 600 रुपया जमा करो, फिर इसमें जो आएगा मिलेगा। फिर हमने 600 जमा किया तो उसमें क्या आया क्या आया पता नहीं, पर्ची लिया, उसने कहा 5,000 आया हाथ में और 6,000 जमा करो, फिर 25,000 तुरंत ले लो। तो हमने 6,000 तुरंत फिर जमा किया, उसके बाद कुछ नहीं निकला उसमें। कहाँ के रहने वाले हैं आप? नेपाल के। नेपाल के, तो कहाँ दरगाह में ठगी हुई है? जी दरगाह में।